हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ बात करने वाले हैं संगम इंडिया एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगे इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में यहाँ पे कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे, साथ में आपको ये बताऊंगे कंपनी की ओवरव्यू, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा पे देखेंगे, साथ में कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे, पीए कंपैरिजन भी देखेंगे, साथ में क्वार्टर रिजल्ट्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखेंगे, एंड साथ में यहाँ पे क्या टेक्निकल व्यू भी देखेंगे एंड में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम संगम इंडिया एलईडी कंपनी की प्रोफाइल की बात की जाए, सो कंपनी जो है कितने दिसंबर 29 को कंपनी क्या है बेसिकली यहाँ पे क्या है इनकॉर्पोरेट की गई थी। बेसिकली देखें तो 1984 में कंपनी क्या है यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की गई थी, अगर हम इस जगह पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे। एंड संगम इंडिया एलटीडी जो कंपनी है बेसिकली कौन से बिजनेस में एंगेज है कंपनी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग काम करती है किसका एंड सेलिंग का काम करती है किसका, सिंथेटिक ब्रांडेड जो कॉटन्स होते हैं, टेक्सटाइल लाइक यहाँ पे टेक्सटाइल यान जो हो गए, फैब्रिक्स हो गए, डेनिम फैब्रिक हो गए एंड रेडीमेड सीमलेस गारमेंट्स जो होते कंपनी बेसिकली इन सारी चीज़ों का क्या है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेलिंग का काम कर दी है। बेसिकली अगर आप देखें इस कंपनी का, अगर आप देखें तो कंपनी क्या है 58 प्लस कंट्रीज में भी ज़्यादा कंपनी क्या है प्रेजेंस, यहाँ पे सप्लाइंग का काम करते अपने प्रोडक्ट्स का। एंड साथ में देखिए सो कंपनी के राजस्थान में सिर्फ कितने 5 मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कितने हैं, 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कहाँ पे राजस्थान में। सो कंपनी ओवरऑल देखिए तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। इवन अगर कंपनी की अगर हम बाकी चीज़ें भी देखें, रेवेन्यू भी देखें, कंपनी का काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड कंपनी के बहुत से ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। कुछ ब्रांड्स अगर हम नाम बोलें जैसे कि संगम यान हो गया, संगम शूटिंग हो गया, संगम डेनिम हो गया, ऐसे बहुत से वन ऑफ द मेन लाइक फेमस इसका ब्रांड है कौन सा है, C9 एयरवेयर जो कि बहुत ही अच्छा खासा इसका ब्रांड है। एंड देखें तो कंपनी का अगर मेन आप देखें तो C9 जो एयरवेयर का ब्रांड है ना, और देखें तो 1000 मल्टीपल ब्रांड कंपनी के इस नेम से, जो कि अगर देखें तो मिंत्रा, अमेजोन, नायका हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, हर जगह पे इसके ब्रांड मिलेंगे C9 एयरवेयर के, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। इवन कंपनी का यहाँ पे डेटा की बात भी की जाए कंपनी के बारे में, डेटा अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी का यहाँ पे मार्केटेबल कितना दिया हुआ है 1453 करोड़ कंपनी का मार्केटेबल दिया हुआ है। स्टॉक भी कंपनी का देखें 58.8 दिया हुआ है, इंडस्ट्री भी देखें 30.6 तक। इट मीन्स क्या स्टॉक क्या अभी ओवर वैल्यू जोन में ट्रेड रहा है जो कि हाई प्राइस में मिल रहा है अभी। कंपनी का अगर नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी का देखें यहाँ पे सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 15.5% दिया, लेकिन 15% पकड़ सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना यहाँ पे दिया है 18% का, जो कि हम 18.6% यहाँ पे देख सकते हैं। सो नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे थोड़े बहुत कम दिए, बट प्रॉफिट कंपनी थोड़ा बहुत अर्न कर रही है। EPS अर्निंग पर शेयर देखिए पर शेयर के पीछे क्या था 15.8 रुपये का रिटर्न दे रही कंपनी। एंड ओवर कंपनी प्लेस परसेंटेज की बात करें कंपनी की, जो प्रमोटर पर स्टेक प्लेस पर नहीं दिया जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। प्रमोटिंग होल्डिंग ओवर देखते एवरेज में दिया 17.2% का। एंड बुक वैल्यू देखिए 215 का कंपनी का बुक वैल्यू दिया हुआ है। मेन यहाँ पे टोटल असेट कंपनी की बात करें तो टोटल असेट कितना 2395 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे टोटल असेट दिया हुआ है। डेप्ट की बात करें तो 933 करोड़ कंपनी का डेप्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंपनी का डेप्ट यहाँ पे, कंपनी का डेप्ट और देखिए तो यहाँ पे क्या बढ़ते हुए हमको दिख रहे हैं, लाइक इसमें कुछ कम ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिला कि इसका डेट जो डेप्ट है इसका कम हुआ है, लगभग देखिए तो ओवरऑल बढ़ ही रहा है। कंपनी का हाई देखिए 393 तक इसका हाई गया था एंड अभी 292 तक है। सो 300 तक अगर ये क्रॉस आउट देता है ये जो शेयर है तो डेफिनेटली 330 तक ही जा सकता है ना शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में। लो देखिए तो 185 दिया है एंड कंपनी अभी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करी, और देखिए 0.69% कंपनी का डिविडेंड पे आउट करी है, कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड भी हेल्दी पे आउट किया हुआ है इन्वेस्टर्स को। फेस वाली देखिए 10 रुपीज दिया हुआ है एंड लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी का लॉस यहाँ पे देखिए तो 10.8 करोड़ कंपनी का लॉस आया हुआ है, मीन्स क्या लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने यहाँ पे लॉस किया हुआ है एंड डेटा काफ़ी ज़्यादा 3 मंथ में लॉसेस भी हुए हैं इस वजह से। नेक्स्ट वही कंपनी की अगर आप यहाँ बात करें यहाँ पे तो प्रॉज एंड कॉन्स की, सो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिट्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा था, लगभग देखिए 39% क्या है अब था एंड कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट किया अभी तक कितना 38.8% का। एंड डेटर्स डे भी देखिए कंपनी का इंप्रूव हुआ है 59.7 डेज लेके 47.5 डेज तक। एंड कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो कि देखे वो भी काफ़ी तक रिड्यूस हुआ है 108 डेज से लेके 84.2 डेज तक, काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये दिया हुआ है। नेगेटिव में देखिए यहाँ पे कॉन्स की बात करें
सो कंपनी का लास्ट अगर आप देखें यहाँ पे सेल्स जो ग्रोथ था कंपनी का काफ़ी हद तक लाइक यहाँ पे कम हुआ लास्ट 5 में, कितना 10.6% का। एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की अगर हम पीए कंपन की बात करें तो यहाँ पे अदर नंबर्स भी दी हुई है जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड कर, लाइक टेक्सटाइल में कंपनी काम करती करती हैं। इसमें से ऑलरेडी बहुत सी कंपनीज जिसको ऑलरेडी फंडामेंटल कर चुकी हूँ, जैसे कि मुझे कुछ कुछ का ही याद है, बंसवारा सिंटेक्स हो गया, स्पॉट किंग इंडिया हो गया, GSL टेक्सटाइल हो गया, एंड ये सारी चीज़ों कंपनी का क्या है मेरा ऑलरेडी फंडामेंटल कर दिया। जैसे आप जाके आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का फंडामेंटल का, उसमें अगर आप जाके चेकआउट करेंगे 200+ से भी ज़्यादा वहाँ पे क्या ऑलरेडी कंपनी का फंडामेंटल किया हुआ है, सो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम संगम इंडिया कंपनी की बात करें, यहाँ पे नंबर 1 पे कंपनीज आ रही है बिकॉज कंपनी का मार्केटेबल ये कम लाइक ज़्यादा दिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू लाइक पाई गई कंपनी से। एंड प्लस यहाँ पे डिविडेंड वाइज जाना चाहें तो आप यहाँ पे देखें, सो डिविडेंड कौन सी कंपनी अच्छा प्रोवाइड करी, ये वाली 7th नंबर आपको दिख रही है, ये कंपनी कितना 1.12% का डिविडेंड प्रोवाइड करी, तो आप इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आपको यही सजेस्ट करूँगी, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिफोर दैट कंपनी के डेटा वगैरह सब देख के फंडामेंटल प्रॉपरली चेक करके ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी संगम इंडिया कंपनी की बात कीजिए, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखें। कुछ दिनों से मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है, सो यहाँ पे शेयर्स भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, बट इसमें रिकवरी आने के चांसेस हैं। एंड आज के दिन पे देखे तो यहाँ पे संगम इंडिया काफ़ी अच्छा रिटर्न है, लाइक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर स्टॉक के अपसाइड भी जा रहा है। चार्ट आपको एंड में दिखाऊंगी, वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का आपको टारगेट भी दूंगी, सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप। नेक्स्ट वही कंपनी की अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें क्वार्टर रिजल्ट्स की, क्वार्टर रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट कंपेयर करें, सो कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या है गिर चुका है, कम हो चुका है। इवन कंपनी के सेल्स भी यहाँ पे कम हो गए हैं। इवन अगर कंपनी का अदर इनकम भी देखें, सो अदर इनकम यहाँ पे देखें तो कंपनी का लॉस में था, -12 करोड़ का क्या इसका लॉस में था। आफ्टर दैट कंपनी का अदर इनकम बढ़ता ही क्या, लगभग देखिए तो 1 करोड़ यहाँ पे क्या इसका प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा हुआ है एज कम्पेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर से। नेट प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी ज़्यादा लाइक गिरता जा रहा है। नंबर का लाइक कंपनी का लगे यहाँ पे प्रॉफिट तो करी, प्रॉफिट इसका पॉजिटिव है बट कंपनी का प्रॉफिट अभी थोड़ा बहुत कम करिए कंपेयर विद लास्ट क्वार्टर से। यहाँ पे मई एंड जून का देखिए काफ़ी ज़्यादा लाइक फर्क दिख रहा है हमको प्रॉफिट्स में, कंपनी थोड़ा बहुत क्या लॉस यहाँ पे कर रही है, सो हो सके तो बेटर है कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वही कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, जून एंड सेप्टेम्बर का प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी के देखिए सो और यहाँ पे सेम ही दिए हुए हैं, अगर हमें 2 क्वार्टर से देखें 17.18% का जो कि रोज सेम ही है। FIS शेयर होल्डिंग देखिए 0.26% का दिया हुआ है, एंड मेन वे कंपनी का DIS शेयर होल्डिंग देखिए 0.33% दिया, एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए 28.89% का दिया हुआ है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें अच्छा खासा चला, इसका एवरेज में दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट वे कंपनी के टेक्निकल व्यू की बात करें अगर यहाँ पे हम तो जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम कंपनी के टेक्निकल व्यू की बात करें, सो अगर आप संगम इंडिया का यहाँ पे क्लोजिंग अगर आप देखें 291.60 पे इसका क्लोजिंग हुआ है, लगभग अगर आप देखें 0.55% डाउन था, लाइक परसेंटेज वाइज 0.55% डाउन था, 1.60% डाउन था। बट अगर आप ये ओवरऑल अगर हमें कैंडल्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया इस जगह पे। डे वाइज का कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था, अच्छा स्टॉक अप गया था, बट पॉसिबिलिटी अगर आप इस जगह पे देखें स्टॉक ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल यूज़ किया जो कि मैं लो यहाँ पे पकड़ा है, यहाँ पे मैं कहा मैंने हाई पकड़ा हुआ है। मेन हमारा यहाँ पे गोल्डन जोन होता है 0.68% लेवल का, एंड स्टॉक जब भी ये लाइन सपोर्ट है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देता है, सो पॉसिबिलिटी है स्टॉक के अपसाइड जा सकता है। सो हो सके आप इसमें एंट्री कीजिएगा, 298 पे टारगेट रखेगा, 329 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है, एंड सपोर्ट आपको कितने का 276 का आपको सपोर्ट आपको लेके चलना है, बिकॉज यहाँ पे अगर सपोर्ट तोड़ेगा सो लगभग क्या स्टॉक क्या 240 तक गिरने के चांसेस हैं। सो ध्यान में एंट्री आपको ध्यान में रखिए, आपको एंट्री करनी है कल के दिन। सो आई थिंक सो कुछ डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।